देवास शहर में सिद्धेश्वरी माता मंदिर में 16 श्रृंगार कर सुहागिनों ने करवा चौथ के व्रत की पूजा की है। आज का यह व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। महिलाएं सुबह से ही पानी भी नहीं पीती है और ना ही कुछ खाती है। दिन भर महिलाएं बगैर पानी के इस उपवास को पूरा भी करती है। सिद्धेश्वरी माता मंदिर में महिलाओं ने मिलकर पूजा अर्चना की है, साथ ही करवा चौथ की कथा भी सुनी है। रात को चंद्रमा को अग्र देकर चंद्रमा की पूजा अर्चना करने के बाद में अपने पति के हाथ से पानी पीकर इस उपवास को छोड़ेंगे। जी हर सुहागन के लिए करवा चौथ व्रत सबसे बहुत जरूरी माना जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए, उनकी अच्छी आयु लंबी उम्र हो, इसलिए ये व्रत किया जाता है। हर सुहागन महिला निर्जला व्रत करती है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के हाथ से पानी पीकर और फिर इस व्रत को खोलेंगी। और ये जो आप सिद्धेश्वरी माता मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी सुहागन महिलाएं आई है जो अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ अपनी करवा चौथ का पूजा कर रही है और अपने घर जाकर फिर अपना व्रत खोलेंगी। बाजार में अच्छी रौनक है, सभी में अच्छा उत्साह है करवा चौथ को लेकर, सभी महिलाओं में भी बहुत उत्साह है। आपके साड़ी की दुकान है, क्या उठाव आया है? बहुत अच्छा उठाव है, मार्केट में अच्छा उठाव आया है, बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।